मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित IFTM विश्वविद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता शौर्य 2023 का समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित कराया गया। आपको बताते चलें, 13 मार्च से 17 मार्च तक सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिता आयोजित हुई और 20 मार्च से 24 मार्च तक विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गईं, जिसमें 1000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में ऑल ओवर चैंपियनशिप स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज और स्कूल ऑफ लॉ ने संयुक्त रूप से टीम ने चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा किया। वहीं विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षकों के बीच हुई प्रतियोगिता में शंकर भवन ऑल ओवर चैंपियन रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IFTM विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति अभिनव कोठीवाल, कुलपति प्रोफेसर MP पांडे, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर संजीव यादव ने पहुंचकर सभी विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। समापन समारोह कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मेघा भाटिया एवं खेल निदेशक डॉक्टर वैभव त्रिवेदी द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि 3 वर्षों के बाद IFTM विश्वविद्यालय में प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें सभी शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी काफी उत्साहित रहे और सभी ने आयोजित हुई सभी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आज सभी प्रतिभागी बच्चों को उनकी प्रतिभा के अनुसार पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है और हम सभी से यह आशा करेंगे कि वे हमेशा खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, विश्वविद्यालय के साथ अपने मुरादाबाद जनपद का नाम रोशन करेंगे। ये आज जो है हमारे IFTM विश्वविद्यालय में समापन रहा है स्पोर्ट्स मीट का, जिसमें छात्र वर्जन और फैकल्टी वर्जन दोनों का 10 दिवसीय प्रोग्राम रहा है। क्रिकेट प्रतियोगिता रही है, खेलकूद प्रतियोगिता रही है, जो आज समापन की ओर है। आज जो है हम सब लोग, जितने भी बच्चे हमारे जो है पार्टिसिपेंट थे, प्रतिभागी थे, जो विजयी हुए हैं, उनको हम लोग पुरस्कार दे करके जो है उनको सम्मानित कर रहे हैं। क्या उद्देश्य रहता है खेलों के क्षेत्र में? खेलों के क्षेत्र में उद्देश्य रहता है कि प्रत्येक छात्र जो है पढ़ते पढ़ते जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बोरियत भी हो जाती है, तो उसे निकलने के लिए खेल कूद में भी लगे रहें। खेल भावना जो है बच्चों में जो होती है, उससे कम से कम मित्रवत व्यवहार बच्चे एक दूसरे से बनाते हैं। आने वाले समय में मंगलवार 28 तारीख को हम लोग जो है समावेश कर रहे हैं, जो फाउंडेशन डे के रूप में हम लोग मनाते हैं हर साल। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें बच्चे बच्चियां जो डांस वगैरह में भाग लेती हैं, वो भी उसमें जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। IFTM विश्वविद्यालय के खेल निदेशक डॉक्टर वैभव त्रिवेदी ने कहा, 13 मार्च से 17 मार्च तक आयोजित हुई प्रतियोगिता में शिक्षक और कर्मचारियों ने भाग लिया। 20 मार्च से 24 मार्च तक आयोजित हुई प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 3 वर्षों के बाद ये प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। 1000 से अधिक विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। आने वाले समय में खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास विश्वविद्यालय द्वारा किए जाएंगे। ये IFTM विश्वविद्यालय की खेलकूद प्रतियोगिता रही, इसका नाम शौर्य 2023 है और ये स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर दोनों के लिए रहा। 13 तारीख से हम लोगों ने इस इवेंट को शुरू किया, आज 24 तारीख को इसका समापन हुआ। क्या-क्या रहा पूरी प्रतियोगिता में? पूरी प्रतियोगिता में फैकल्टी मेंबर्स के लिए तो हम लोगों ने क्रिकेट और बैडमिंटन की प्रतियोगिता आयोजित कराई थी और 16 स्पोर्ट्स, विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स जो थे हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए लिए। प्रतिभाग करने के की बात करें तो 1000 स्टूडेंट्स ने इसमें प्रतिभाग किया और करीब 150 फैकल्टी मेंबर्स ने इसमें प्रतिभाग किया। क्या उद्देश्य रहा पूरे कार्यक्रम? उद्देश्य रहा खेल कूद के ऊपर जागृत करना, को करिकुलर एक्टिविटीज को का जागरण और पूरी तरीके से एक समावेशी माहौल बनाना, खेल के प्रति भी, समाज के प्रति भी, पढ़ाई के प्रति भी, और एक टीम वर्क के साथ कैसे काम होता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा। भविष्य में भी ऐसे प्रयास किए जाएंगे? भविष्य में हमेशा हर साल ये होता रहा है। ये 3 साल से पीछे कोरोना के कारण हम नहीं करा पाए थे। 2020 में हमने इसका शुभारंभ कराया था पर वो किसी कारण, क्योंकि लॉकडाउन लग गया, हमने उसको रोकना पड़ा। लेकिन 3 साल बाद इसका हमने सफल आयोजन कराया और हर साल हम इसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहेंगे और स्टूडेंट्स का भी प्रतिभाग बढ़ाते रहेंगे, फैकल्टी मेंबर्स का भी प्रतिभाग बढ़ाते रहेंगे।